हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं अपने भोलों से मिलने के लिए फ्रेंड्स, जो कि हरिद्वार से चलकर आ चुके हैं और लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर वहाँ पर वो रुके हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे अपने भोलों के पास और वहाँ चल के आपको दिखाएंगे अपने भोलों को, जो कि हरिद्वार से जल लेकर के पैदल यात्रा करके आए हैं, जो कि काफ़ी थके हुए भी होंगे। तो फ्रेंड्स, लगभग यहाँ से कुछ ही पल में लगभग हम लोग पहुँच जाएंगे अपने भोलों के पास। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी संख्या में भोले आ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें, लास्ट तक जरूर देखें फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है, तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हम लोग रास्ते में ही हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए कितने सारे भोले आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा फोटो खींच दो यार, इसका भरा हाँ भी खींच। फाइनली हम अपने भोलों के साथ में वापस आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे भोलों की कामर है, जो कि हम लेकर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये भोले काफी थके हुए हैं, उनकी कामर भी काफी भारी कामर है। उन्होंने काफी भारी और विशाल कामर ही बनाई है। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जब दो भोले इसको हरिद्वार से लेकर के आए हैं, तो जब हम बीच में बारिश भोले पड़ने के बावजूद भी कामर बहुत भारी हो गई थी, लेकिन हमारे बोलों ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह लगातार इसी तरह चलते रहे। यहाँ से हम लोग कुछ ही देर में, लगभग 1 से 2 घंटे में हम अपनी मंजिल के पास ही पहुँचे हैं। यहाँ से लगभग फ्रेंड्स 2 घंटे का समय हमें पहुँचने वाला है। हमारे साथ के भोले कावर के साथ साथ चल रहे हैं। फ्रेंड्स, हाईवे पे लेंगे जब चलेंगे, रात इतना रख कर रुका ही मत, घर जाकर रुके एक बार रख ले। हरिद्वार से मेरे टीवी में ले लही सीधी बोले नगावर तो ले डाल, तो यहाँ पा के दीजिए जितना नोट। हाँ जी, जितने नोट लगा करोगे देखो, भी टिकवा बोले कंधे पे बोले नहीं चुगला धज्जा। एक वीडियो बना लो बस। अरे बोला टोल पार करके रुकी अब तू। अरे अपने तो बना दे ले, अपने तो बना उसका बढ़िया स्टोरेज। हाँ, ये उसको मालिक ने फेंक दे।
कांवर उठाई जाती है। फ्रेंड देखिए कितनी बड़ी कितनी विशाल ये कांवर है। तो और फ्रेंड्स को हरिद्वार से काशीपुर मोटेश्वर महादेव के लिए लाया जाता है पैदल यात्रा करके। फ्रेंड्स देखिए भगवान भोलेनाथ कितने खूबसूरत। देखिए फ्रेंड्स जय श्री मोटेश्वर महादेव। और यह फ्रेंड्स राठौर डीजे। जो कि काफी हैवी साउंड के साथ है ये। फ्रेंड्स ये रामपुर वालों। फ्रेंड्स ये है ओके फ्रेंड्स। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।